हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमिताज किचन, कुछ मीठा कुछ नमकीन। आज फ्रेंड्स, आपको पता है कि समर सीजन आ गया है, तो इसीलिए मैं आपके लिए लेके आई प्रोटीन सैलड। क्योंकि समर सीजन में जनरली आपको हैवी खाना खाने का मन नहीं करता है, और या उसके लिए भी अच्छा है जो लोग डाइटिंग कर रहे हैं, हेल्थ कॉन्शियस हैं, तो उनके लिए भी प्रोटीन सैलड बहुत ही हेल्दी होता है। आइए सबसे पहले देखिए, हम प्रोटीन सैलड है, तो प्रोटीन सैलड में हम प्रोटीन कैसे यूज़ कर रहे हैं मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए 100 ग्राम्स मैंने चिकपीज लिए हैं, एंड इसकी जगह आप ब्लैक ग्राम काले चने जो होते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। पीनट लिया हुआ है मैंने 50 ग्राम्स, एंड 50 ग्राम पनीर लिया हुआ है मैंने। अब ये तीनों चीज़ें तो होगी, अगर हम इसको केवल मिक्स करें और खा लें तो वो तो हम नहीं, इसको थोड़ा सा टेस्टी भी बनाना पड़ेगा ना हमें। तो इसके लिए हम देखिए इसमें कुछ वेजीज ऐड करेंगे, कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे कि जिससे कि ये थोड़ा सा हमारा टेस्टी हो जाए और एज अ मील पूरा बाउल हम खा सकें। तो इसके लिए देखिए मैंने सबसे पहले चिकपीज लिए हैं, पीनट्स वगैरह बाद में डालेंगे और पनीर भी मैं। तो इसके देखिए वेजीज आपके पास क्या है, ये कोई वो नहीं कि अगर आप अनियन डालना चाहते नहीं डालना चाहते, या इट्स अप टू यू, आप डालिए। ये देखिए एक मैंने एक छोटा प्याज डाला हुआ है फाइनली चॉप, एक छोटा टमाटर है, ये मेरे पास बीट रूट था, बहुत ही हेल्दी होता है आपको पता है, और ये कैरेट है। आजकल अभी तो सारी वेजिटेबल्स मिल रहे हैं अच्छे से। ये खीरा है एक छोटा सा टुकड़ा, ये सारी वेजीज डाल देंगे हम। ये बहुत ही इंस्टेंट बन जाता है ये सैलड, इसको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। देखिए ये सारी वेजीज मिक्स कर दी इसमें हमने, ये देखिए। इसके बाद ये हम थोड़े से कॉर्न है, ये मैंने बॉईल करके रखे हुए, थोड़े से कॉर्न ऐड कर देंगे। और इसके बाद ये धनिया है, ये पूरा मैंने नीचे से जड़ से काटा हुआ है पूरा फ्रेश धनिया। और इसके बाद इसमें हमने एक नींबू का देखिए रस निकाला हुआ, पूरा एक नींबू का, क्योंकि थोड़ा सा उसका टेस्ट भी इसका बढ़ाना है सैलेड का। देखिए इसको मिक्स करें, इसके बाद हम इसमें डालेंगे ये देखिए ये नमक डालेंगे, काला नमक डाल रहे हैं हम। और नमक तो आप देखिए अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, आप कितना पसंद करते हैं। और इसके बाद ये देखिए, आप चाहें तो फ्रेश मिंट लीव्स काट के छोटे छोटा डाल सकते हैं। मैं ये पुदीना पिसा हुआ इसमें यूज़ कर रही हूँ, इसका टेस्ट बहुत इन्हेंस कर देता है, बहुत ही बढ़ा देता है सैलड का ये हल्का सा, ये देखिए। और इसके बाद हमने डालना है इसमें ये देखिए पिसा हुआ जीरा डालेंगे, और ब्लैक पेपर यूज करेंगे। ये हमने सारे स्पाइसेस हमारे डाल गए, बाकी आप कुछ कम थोड़ा ज़्यादा करना चाहते हैं वो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। ये देखिए पूरा फटाफट ये सैलेड बन जाता है, बस आपको जो वेजिटेबल्स काटनी है, आप इसमें कैबेज भी चाहें तो आप कैबेज भी यूज़ कर सकते हैं। आप कौन सी वेजीज डालना चाहते हैं, कैप्सिकम डालना चाहते हैं तो थोड़ा सा एक छोटा टुकड़ा वो भी डाल सकते हैं। ये देखिए ये हमारा सैलेड, अब इस टाइम पे हम इसमें पनीर ऐड कर देंगे, ये देखिए। और अगर आप सैलेड पहले बना के रख रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि सैलेड में ये जो पीनट आपने डालना है ये बाद में बिल्कुल आप ऐड करोगे, क्योंकि पीनट सॉगी हो जाती है, तो इसलिए। ये देखिए हमारा कितना कलरफुल सैलेड बना है और कितना हेल्दी होता है। आपको पता हमने इसमें चिकपी यूज़ किया हुआ है, तो 100 ग्राम चिकपीज में 9 ग्राम ऑफ प्रोटीन होता है, और जैसे हमने 50 ग्राम ऑफ पीनट यूज़ किया हुआ है, 50 ग्राम पनीर किया है, तो 50 ग्राम पनीर में भी 7 ग्राम इसमें आपको प्रोटीन मिल जाएगा। तो इसमें बहुत सारा प्रोटीन है इस सैलड में, और बहुत ही हेल्दी है। अगर आप डाइटिंग कर रहे हैं तो आप इसको एज अ मील रात में भी आप खा सकते हैं और दिन के टाइम भी खा सकते हैं। अब चलिए अब हम इसको सर्व करते हैं, उसमें पीनट्स हम बाद में ऊपर से डालते हैं। देखिए अब हम इसमें सर्व करने से पहले अब हम इसमें पीनट ऐड करेंगे, इसको फिर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस सैलड को आप नॉर्मल टेम्परेचर में भी खा सकते हैं, चाहे तो फ्रिज में भी रख सकते हैं थोड़ी देर पहले। ये देखिए हमारा ये सैलड रेडी हो गया है, अभी खाने के लिए बिल्कुल रेडी है हाई प्रोटीन सैलड। तो इसको अब हम सर्व कर देते हैं और खाते हैं, ये पूरा एक मील का काम करेगा आपके। चलो सर्व कर देते हैं, और आप देखिए हमारा सैलड खाने के लिए बिल्कुल तैयार है।
आप इसको बनाइए, ट्राई करिए, आपको कैसा लगा बताइए ज़रूर। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ इनको शेयर ज़रूर करिए, लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।